बठिंडा में रेलवे पुलिस ने 70 लाख रुपए की पुरानी करेंसी के साथ दो लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि आरोपी का कहना है कि दिल्ली में बैंकों में पैसा जमा करवाने की दिक्कत के चलते वो इन्हें बठिंडा के अपनी कंपनी में हैंड ओवर करने आए थे। पकड़े गए दोनों आरोपी युवक खुद को एक कंपनी का कर्मचारी बता रहे हैं, जो कैश एक्सचेंज की दिक्कत का हवाला दे रहे हैं। पुलिस थाने में टेबल पर पीछे पुरानी करेंसी के ये नोट दिल्ली से बठिंडा पहुंची दैनिक इंटरसिटी गाड़ी से बरामद हुए हैं। साथ ही दो आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। 1000 और 500 के गड्डी के रूप में ये 70 लाख रुपए हैं, जो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बरामद किए हैं। रेलवे पुलिस ने मामला इनकम टैक्स विभाग की टीम को सौंप कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। यहाँ लाके इनको बताया गया कि भाई हम आपका बैग चेक करेंगे। वो बैग जो है चेक किया गया, जिसमें जो है 70 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। निजी जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये कैश दिल्ली से चला है और बठिंडा में कहाँ जाना था इसके बारे में जांच की जाएगी। आपको बताया जाएगा कि बठिंडा में कहाँ जाना था। पकड़े गए दोनों आरोपी खुद को एक कंपनी के कर्मचारी बता रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में बैंकों में पैसे जमा कराने की दिक्कत के चलते वो इन्हें बठिंडा के अपने कंपनी में हैंडओवर करने आए थे। और ए कैश कंपनी प्रूव करेगी साडी ऑडिटेड बैलेंस शीट हर चीज है। अगर वी हैव गॉट आवर ऑडिटर्स, कितना जा रहे हैं जी कैश, कितने जा रहे हैं? आई थिंक वी हैव गिवन द स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट इज विद द अथॉरिटीज, ये सारी स्टेटमेंट देती है, नथिंग टू हाइड। फिलहाल 70 लाख के पुराने नोटों की रकम आयकर विभाग को सौंप दी है, आगे की जांच जारी है। कैमरामैन दीपू शर्मा के साथ गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा।